अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 kg बोनलेस चिकन। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून साल्ट, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 लेमन जूस, 2 टेबलस्पून दही, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून ऑयल। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल, 5 से 10 मिनट इसे ऑन कर लेंगे। ये 2 साइड से फ्राई हो चुका है। अब इसे ग्रेवी में ऐड कर देंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 पीस प्याज, 3 मीडियम साइज टमाटर। प्याज को चॉप कर लेंगे और टमाटर का पेस्ट बना लेंगे। और ये टमाटर का पेस्ट बना लिया है। पैन में ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून ऑयल, 1/2 करेंगे प्याज। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 5 से 6 मिनट पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। इसमें ऐड करेंगे 1 कप पानी। इसे 2 मिनट पका लेंगे। इसे 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। इसमें ऐड करेंगे थिक चिली,
मिनट में ऐड किया है 125 ml का। इसमें ऐड करेंगे 1/2 teaspoon गरम मसाला पाउडर, 1/2 teaspoon कसूरी मेथी, 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो चिकन टिक्का मसाला रेडी हो चुका है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डिश आउट कर लेंगे।